बच्चों नमस्कार। हम लोग दान का हिसाब पाठ आधा पढ़ चुके हैं और आधा बाकी है, तो आज जो बाकी है बच्चों मैं उस पाठ को पूरा कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और आप लोग पुस्तक भी निकाल लेंगे, ठीक है। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेज़ी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वाह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10,00,000 रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, दो बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा, बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक की भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाए, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी है। तो बच्चों मैं इस पाठ को आज समाप्त कर रहा हूँ। आगे जो ये जो प्रश्न उत्तर है बच्चों मैं आप लोगों को लिखाऊंगा। इसमें कुछ कठिन शब्द भी हैं बच्चों, मैं बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से करेंगे। भंडारी, पंखा, मंत्री, राजकोष, संभाल कर, सन्यासी, आदेश, भिक्षा, गंभीर, परंतु, गिड़गिड़ाए, महाराज कर्ण। तो बच्चों ये जो मैं टिक लगाया हूँ बताया हूँ, आप लोग इसको कॉपी पे कठिन शब्द लिख करके याद करेंगे। धन्यवाद।